ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲੀ ਜਾਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਲੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਕਿਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲੀ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਇਆ ਰਸੂਲ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अज तक जमाने दे उलमा दुनिया दे सत मुल्कां ते गया मैं मेनू किसे मौलवी नहीं दस्या आपी बतूल दे आया नबी उठदे क्यों सन सुभान अल्लाह नक्शबंदी भी इत्थे जे जवाब आउंदा ते दस्से मैं गड्डी दी चाबी देना सुभान अल्लाह जदों भी बीबी आउंदी सी नबी उठदे सी क्यों इस क्यों का जवाब शायद कब्र की दीवार तक मैं इलम पढ़ना है शेर नहीं बोला सुभान अल्लाह क्योंकि मैं टीसी का आदि नहीं लिया पहले ही बोल लेना पीरे तरीकत रहबे शरीफ हजूर किबला सैयद तालिब हसनैन साहब कादरी सरवरी जी दमईदू सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब इन्होंने वालदे ग्रामी बहुत बड़े मेरे मोहसन सन बड़ा वक्त एक उन्होंने नाल इस आसाने दे गुजारे और तकरीबन शाह जी 3-4 साल तो बाद आ गए 2-3 साल की गैर हाजरी ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذرا درود پڑھو نبی دی ذات تے سبحان اللہ اتنا گھٹنا چھڈ کے سن میں کیونکہ میں سیداں دے سید دا ذکر کرنا ہے جگر کو جز نہیں جزو رسول کہتے ہیں سبحان اللہ غور نہیں کیتا جگر کو جز نہیں जुज़्वे रसूल कहते हैं जो अहले हक हैं बाबे कबूल कहते हैं जो हर तरह की नजासत से पाक हो शौकत ज़बाने वही में उसे बतूल कहते हैं सुभान अल्लाह नारा तकबीर जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कह दिता मौलवी उठ के खड़ा होया कहिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह मैं कह जी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला उस मानी मेरे हलक तो उतरिया ना मैं फिर सलामुल्लाह अलैहा कहता वो फिर खलो गया कहिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह मैं फिर रज़ी अल्लाह कहता फिर तरतीब वो ज़बान ते आती सी फिर सलामुल्लाह अलैहा कहता जब तीजी वारी खलोता ना मैं कौन खलोता रही मैं लगा ना लेन ते फैसला करी हजरत मुहम्मद मुस्तफा कहिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही सल्लम मैं कर रसूल दा सिर्फ सिर सल्लल्लाह है जिन्हें पड़ गया मेरे लोगों क्या नबी दा सिर्फ चेहरा सल्लल्लाह है कहिंदा नहीं मैं निसल नबी दा सिर्फ सीना सल्लल्लाह कहिंदा नहीं सिर तो लग के पैरा तक पूरा रसूल सल्लल्लाह मैं क्या तेरे सर्दियां च पेट निकले पूरा नबी सल्लल्लाह ते नबी आंदा इन्नमा फातिमा तो पता तो मिन्नी फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा पूरा रसूल सल्लल्लाह ते ए टुकड़ा रज़ी अल्लाह खलक करके अल्लाह ने कह मिलू मेरा अर्श चुको फरिश्ते टेल लाया 63,000 ने चुकिया बोलो कौला नहीं पहना सुकून ना सुनना चुकिया बोला कभी नहीं चुकिया जाता अल्लाह ने तादाद मौला हसन अस्करी कहने ने डबल की थी हुन चुको
नहीं चुकया गया। सईदा एक जुमला तेरे लिए बोलना है, 10 गुना कीती नहीं चुकया गया, अल्लाह ने ओना विचों 8 चुने, पता लगा पार चुक दी ओ ने जड़े चुने हो। सुभान अल्लाह, पार चुक दी ओ ने, बाबे तो फायदा उठाए, पार चुक दी ओ ने, बोलो दे सही जेड़े बोलो, मेरे नबी चुने, मेरा अली चुनिया, मेरी बतूल चुनी, मुबाला पढ़, मेरा हसन चुनिया, मेरा हुसैन चुनिया। सुभान अल्लाह, चुको उनके परवरदिगार, पूरी बरादरी तेल लांदी रही है, चुकिया नहीं गया, असि तो थोड़े हाँ। फरमाया उन्होंने मैं तरीका नहीं सी दसिया, चुकी बैठे ने थके नहीं फिक्रा सुन के बस सुन के उदों का चुकिया ने थके नहीं, तेरा पार गुनावां दा अर्श नालों ज्यादा नहीं, अपड़िया नहीं नक्शबंदी, अपड़िया नहीं, तेरे गुनावां दा पार अर्श नालों ज्यादा नहीं। फिर दुरूद दी छल दे ओए, अगर पहाड़ा जिन्हें भी गुनाह नहीं तो कियामत नूं तीले मालूम होणगे। शाने रसालत ते पढ़ने ते फिर बतूल का जिक्र करना जिनी देर मैं कर सकिया, कल ऐसे तक करा ते बतूल मुकदी नहीं। लेकिन दो जुमले शाने रसालत ते तवज्जो, ए उन्हां लोगां लई बोलन लगा जेड़े मेरे वर्गे पापी बदकार गुनागार स्याकार गुनाहां च लिबड़े हो, जेड़े मां दे पेट चो जन्नत दी रसीद लैके जमे ने, उन्हां लई नहीं, गुनाहगार नहीं। मेरे नबी दे चेहरे ते उदासी है, की है? उदासी। अल्लाह ने कहा जबरील जा पहले कदम चुम ते फिर पूछी, असी भी हो ये ते उदासी भी हो वे। पंजाबी समझदे हो, सैयद बादशाह अरबी का जुमला बोलना नक्शबंदी पीर वास्ते, तवज्जो। जबरील आया कदम चुमे, आके कह लगा कमली वाले अल्लाह आंदा उदासी, फरमाया मैनू अबू बकर दी नहीं, मैनू उमर ते उस्मान ते अली दी नहीं, मैनू सहाबा ते वलिया दी नहीं, मैनू उदासी है 36 दे पिंडाल च बैठे गुनागारा दी। कियामत वाले दिन मेरे गुनागार उम्मतियां दा हशर की होएगा। उन्हें कहा जी मैं आज सिर्फ पैगाम लेन वाला, इजाजत दियो मैं पूछ आना। हूं जेड़े गुनागार उन्होंने वास्ते तोहफा किया, मुड़ के आया आके कदम चुमे, हुण मैं अरबी दी बात लगा पण उलमा ले, कह लगा कमली वाले शिफा तो कदम अल-मुसनबीना व रहमति खल्फहुम व हुम बैना शफाअतिन व रहमतिन फकैफा यदीउ। सुन ते छत ना लग, फरमाया कमली वाले आ दसिए कियामत वाले दिन तेरे गुनाहगार दी टौर किन्नी होएगी। सुभान अल्लाह, नहीं आ रही मैं लुत्फ नहीं आया, किवें शिफात का कदम अल-मुसनबीन, तवज्जो अगे अगे तेरी शिफात चलेगी। सुभान अल्लाह, पीछे पीछे मेरी रहमत चलेगी बिच गुनागार। नहीं नहीं लुत्फ नहीं आया, ना 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 ना, समझ अगे अगे तेरी शिफात पीछे पीछे मेरी रहमत बिच गुनागार। हुण तू उठिया ना तो दुख बड़ा होना, कमली वाले आ जेड़ा तेरी शफात ते मेरी रहमत दी चादर विच लुकिया वदा ए ते फरिश्तियां नूं लभना ही नहीं। शाने रसालत दा एक फिकरा ते शाने रसालत बस एक जुमला, मकामे औदन है या तालबे या मतलूबे या मुहिब्बे या महबूबे या आशके या मशूके या तालबे या मतलूबे या आबदे या मबूदे या साजदे या मस्जूदे या ओए या ए तू। शादी तवज्जो मेरे अल, या तालब या मतलूब या मुहिब या महबूब या आशक या मशूक या ओ या ए तू।
बस यही समझ भी वो दे होते हैं तू बोल बस तवज्जो नाल इल्म सुन मेरे परवरदिगार ने कहा मेरे महबूब सलमा से ता मांग जागो छाने रसाला दा फिक्र है ते फिर मैं बतूला लाउणा मांग मेरे नबी ने क्या उम्मती अल्लाह ने क्या आज तेन कहंदे नहीं प्रैक्टिकल वखाने शायद ये पहली बारी जुमला सही ते लगा बोलन प्रैक्टिकल फरमाया सोना जदों अपने कोलो तेन तोरिया सी ना सतर रूपे सभी नाल फसतरे नु हिजाब ते 70,000 बुरके अपनी गैरत दे तेरे बदन ते पा के उतारे सी किसी बदबख्त दी नजर ना लगे भाई इतना पिंडाल है मेरे पेट से किन्ने कुड़ते ने एक याल जबान दे किन्ने ने एक तुहानू नजर आउंदा मेरा पेट विचो जख्मी है कि ठीक है मेरा पेट विचो गोरा है कि काला है नहीं मैं एक पाया है तेनू नजर नहीं आउंदा वेच की है जेड़ा 70,000 पा के आया नक्शबंदी उठ के दाल दी है तीजर जुमला बाबे ने फिक्रे दी फरमाया हबीब आज मैं प्रैक्टिकल लगा कर उस 70,000 चो एक लगा लान ते वेल होंदा की है रफा अल्लाह ताला में वजी हिजाबन वाहिदन कि नेसन कोल 70,000 अल्लाह ने एक लाया एक अजे 69,900 इथे रही बाकी नहीं अजे 69,900 रही नहीं बाकी नहीं लम जब के लिल अर्श वल कुर्सी वल शम्स वल कलम वल लौह वल कवाकिब वल नजूम नूरन इधर हुसैन दे नाने दा एक कुंड लथा सूरज गया चंद दा नूर गया तारियां दा गया अरश दा गया कुर्सी दा गया ला दा गया हबीब मैं एक पर्दा लाए नूरियां दे नूर उठ गए ने जदों मैं कियामत नु पूरा 70,000 लावांगा अजे ही 36 वालिया दे गुनाह बाकी ने जिन्हां नूं हुसैन दी मां दी अकीदत है ओह तवज्जो करो ते की कह रहे सी इन अल्लाह हस्तफा की मरियम अल्लाह ने तेनूं चुन लिया वस्तफा के लानी साहब तहरा के और तिन पाक की ते और आलमीन दिया औरतां ते चुन ले तवज्जो मेरे अल करे आजे पूरी खुदाई विच चार औरतां ने जिहड़ियां चुनियां आईयां तुसी बोलोगे ते मैं अग्गे जाणा है बोलो किन्नियां बोलो नंबर एक आसिया बिनते मसाह आसिया बिनते बोलो सी मसाह नंबर दो मरियम बिनते इमरान नंबर तीन खदीजा बिनते खुवैलद ते नंबर चार फातिमा बिनते मोहम्मद ए चार बीबियां कायनात दी सैयद ने दो चार फिक्रे सुन लै ताकि मैं अपनी गल वाला मैं कायनात दी ये भी याद रख एक जुमला शादी बोलन लगा अली दी औलाद सैयद नहीं तकलीफ हो तो मैं पेड़े च बैठा अली दी औलाद सैयद नहीं फातिमा दी औलाद सैयद है बोलो बोलो अली दी औलाद तो और भी है वे लेकिन सैयद सिर्फ बतूल दी औलाद है सुभान अल्लाह जागी तरह बोली आज मैं तेन दसन लगा अली कहीं दे किनू ने और अगर पिंडाल उठ के दाद ना दी तो मैनू इनी टेंशन ही मैं जुत्ती पा के गया 1 2 3 4 अगे ही नखरे ना आया जाऊं साल तो बाद हशर का मैदान है कि ना मैदान हशर का कायनात मौजूद है यकदम जबरील एक कोने चो बोल के कहिंदा जुल जलाल मेरे फिक्रे ते चुप ना करी जुल जलाल नूह अलैहि सलाम दियां तियां हशर दे मैदान चो लंघन लगियां अल्लाह कहेगा गुजरन दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुजरन दे लास्ते तो पहले जबरील दी आवाज आएगी परवरदिगार शोएब अलैहि सलाम दियां बेटियां गुजरन दे जुल जलाल हाजरा सारा ईसा दी मां मरियम यकदम जबरील बोल के कहेगा सुल जलाल हुसैन दी मां फातिमा अब आदे कुदरत आएगी रोक
फिकरा लगा बोलन दी मैं इसलिए तुहाडे सारे तो उच्चा बैठा जिन्हू स्टेज ते प्रोटोकॉल मिले उसे मौलवी कहते हैं और जिसे हशर के मैदान में प्रोटोकॉल मिले उसे फातिमा कहते हैं। दाची का पहला कदम आएगा एक बार क्या सवाल है यकदम पर्दा है वहदत मुतहर्रक होएगा एक आवाज है या अहले माशर वद्दु अबसारकुम आओ मैशर वाले अखा मीट लो बेशक मैं इथे बंद लगा जे इजाजत होगी अख खोल के हुसैन की मां नूं वेख ले बोलो बोलो ओ बोलो इसे फातिमा कहते हैं सुभान अल्लाह अखा बंद कर लो दूजा आर्डर आएगा नक्के सुलाऊसा कम गर्दना नीमिया करो हर बंदा है जो सी अशर दे मैदान सुभान अल्लाह तवज्जो अख बंद गर्दन चोगी अल्लाह जी किन्नी दे फरमा हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन तो मोहम्मद अल सरात जिन्ना चिर मेरे नबी दी थी पुल नहीं ना लंघ दी सुभान अल्लाह ना अख खोलनी है ना गर्दन मैं फिकरा बोली जाऊंगा जिन्ना चिर तू बोले ना जिन्ना चिर मेरे नबी दी बेटी पुल ना लंघे ना अख खोलनी है ना गर्दन चुकनी है हुन रौला पा चिपाई मैं हथ बन रहा मेरा पहले फिकरा सुन ले पूरा ते फिर दाद दी ते फिर छत नू लगी जिदी आमद ते हशर दी मैदान दी अख बंद सुन के पूरा गर्दन चुक जाए ਉਹਨੂੰ ਫਾਤਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਾਤਿਮਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਜੀ ਹਦੀਆ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਗਰਦਨ ਝੁਕ ਜਾਏ ਉਸੇ ਬਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਤੂਲ ਆਪਣੀ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਸੇ ਜਿਸ ਕੀ ਜੂਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ ਉਸ ਜੀ ਕੋ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਰਾ छत नु लगा है एदा मतलब है नहीं कि फातिमा सिर्फ नौकर ते करीज है ना सहाबा करम बैठे ने अली भी विच ही है सुभान अल्लाह मेरे नबी बैठे ने हुन अली दा दावा है सलूनी जो दिल करदा पूछो मेरे मैं आसमाना दे रस्ते जमीना ना हूं बेहतर जाना पूछो सलूनी अन इल्म ला जानू जबरील वला में कई मैं ओ इल्म जानदा जेड़ा ना जबरील जानदा है सुभान अल्लाह ना मैं कई इल्म जानदा है पूछो मेरे नबी ने मुस्कुरा के क्या एक सवाल पूछा सुभान अल्लाह सुभान पूछो फरमाया औरत का सबसे बड़ा जेवर क्या होता है अली ने मेरा जवाब नहीं आया अली ने मेरा जवाब नीवे नीवे होके ना जुत्ती पाके ते हौली हौली घर आए ने अगे हुसैन की मां रोटी भी पकाती सी सुभान अल्लाह ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਆ ਬਤੂਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਜ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਕਹਤੇ ਹੈ
फरमा औरत का सबसे बड़ा सेवर। बीबी मुस्कुरा के कह लगी, यही कोई सवाल है? मेरा ख्याल अब आपकी समझ में आ गया। औरत का सब तो बड़ा जेवर के गैर महरम उसको ना देखे, वो गैर महरम को ना देखे। अली उठो उठे ने हुन जरा खिली थोड़ा जा हसी आके महफिल च बैठ के मैं दसा जी जेडे पंजवी छेवी स्कूल च पढ़े ने जिन्हें जवाब आंदा मैं सर जी मेरे नबी ने के अगे गुलाम नबी नहीं सी नबी सी मुस्करा के पूछ है हूं जे बोले झूठ ते अली नहीं ते जे बोले सच ते सलूनी नहीं सुभान अल्लाह फरमाया पूछ है किदे कोलो मौला कायनात ने फरमाया तेरी बेटी कोलो रसूल मुस्करा के कहन लगे क्यों ना दसे क्यों ना दसे यही फखर क्यों ना दसे इन्ना फातिमा तो पता तो मिन्नी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा जो है सुभान अल्लाह बोलो बोलो एक बारी जो तू सुनना मैं उधर भी आऊंगा इंशाल्लाह घबरा ना जरा फातिमा मेरे जिस्म का एक जुमला लगा बोलो बतूल ओनू आंदे ने जिहड़ी कदी पलीत ना हो मेरा खल में फिक्रा बोलिया पुतल विचों ही कट जाना जिहड़ा दुनिया तो कट जाए नजास तो कट जाए इन्नी ताहर होवे कि पलीती उहदे नेड़े ना आवे बतूल सारे बोलो पूरी खुदाई विच तीन बतूलां चौथी बतूल किनिया ने नंबर एक जन्नत दी हूर बतूल है वाला मुफिया सवाज जो मुतहरा ए पलीत होंदी बोलो नंबर तीन मरियम बतूल है इन्नल्ला हस्तफा के बतहरा के वस्तफा के लानिस आलमी ते नंबर तीन हुसैन दी मां इन्नमा युरीदुल्लाह लिजुहि व अनकुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तवज्जो चुप कर गए हूर बतूल मरियम बतूल फातिमा बतूल किनिया सारे बोलो औरत सब तो ज्यादा नजस उस वक्त होती है जब शौहर के बिस्तर से हो ना हूर का शौहर ना मरियम का शौहर होन गियां बतूल सुभान अल्लाह नक्शबंदी साहब दा आदमी हो दी औरत सबसे ज्यादा नजस जब शौहर के बिस्तर पर हो ना हूर का शौहर ना मरियम का शौहर होंगी बतूल आया मदीने वाले सईदा दी अम्मा दी तहलीज ते बोसा अकीदत दे अली जैसा शौहर भी है फेर बतूल है बोलो नारे तकबीर नारे निसाल नारे आदरी बिल्कुल मुख्तसर करके एक गल कर और फिर कुछ तेरा तेरा माहौल भी बनाना है कायनात का पहला सैयद मेरा रसूल है यासीन ए सैयद ए सरदार अना सैयद उलदे आदम यौम अल कियामत वाला मेरे नबी ने क्या मैं सैयद औलाद आदम का पहला सैयद मेरा रसूल बोलो कायनात में चार सैयद पढ़ने ने दूजा सैयद पुछ शाह कौन है यही तेन मैं दसा नहीं इना सौदा मेरे को बिगड़िया नहीं भी तेरी मिन्नत करके तेन दिया कुरान की कसमे अजमेर शरीफ का सजादा नशीन गेट से खड़ा सी नजम शाह इस्तकबाली निजामुद्दीन के दरबार का सजादा नशीन ये उनका कर्म है रुख तू अली दे बच्चिया का ढोल वजा दुनिया तेरा वजाएगी सुभान अल्लाह सॉरी एक देर च रख बोलो सुभान अल्लाह पहला सैयद मेरा रसूल दूजा सैयद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने कि मेरे नबी ने फरमाया आयशा जी सैयद अरब को बुलाओ सुभान अल्लाह सैयद अरब को बुलाओ बीबी पाको कह लगी कमली वाले तेरे अलावा सैयद अरब कौन है फरमा अना सैयद बुलदे आदम मैं औलादे आदम का सैयद हूं अली उन सैयदुल अरब मेरा वीर अली अरब दा सरदार है सुभान अल्लाह बोलो ते सही पहला सैयद नबी दूजा सैयद
अली त्रीजी सैयद बोलो सी इन्नामा फातिमा तो सैयदा तो निसाइल आलमीन आलमीन दिया औरतां दी बोलो सी आलमीन दिया औरतां दी सैयद कसम खुदा दी इस बीबी दी अजमत जिमें आज तक दुनिया नू लैला तो कदर नहीं ना लबी भी केड़ी है आज तक नहीं पता लगा भी फातिमा की सुभान अल्लाह ईमानदारी ना दसो कोई मेरे वर्गा गुनाहगार कुत्ता ते दरकनार जेड़ा इन्हां दीआं हड्डियां खर के टाउ टू करदा है कोई जमाने दा मौलवी आया जेड़ा दस सके फातिमा की है बोलो ते सही तू एक बारी दरूद पढ़ मैं छोटा जिहा माहौल तेरा बनावां ताकि इवें गुस्से हो के ना टुरन मदीने दा शहर इमाम मुनबिया अली अल मुर्तजा दोवें पार गए होए ने नबी भी मदीने नहीं आखिरी गल और रजा दे चुके असर दी नमाज दा वक्त तंग और अली भी मदीने बोल बोल गल समझ के टोरना फिर मजा आए नहीं कायनात दी मुकुमा रोटियां भी पकांदी है एक चार पाई ते मौला हसन गिलानिया दा बाबा दूजी चार पाई ते लखवियां बुखारियां दा बाबा करबला दा वाली सुभान अल्लाह सुते यकदम बीबी रोटियां भी पकांदी है कि हुसैन उठे ने चार साल मेरे मौला अपनी चार पाई तो उठे इवें जमीन ते उतर के सैयद करबला दा वाली निकलिया वा मदीने दी गली ये हुसैन इब्ने अली मेरे मौला टुरे जा रहे ने एक यहूदी है जिदा ना है साले इब्ने जुम्मा एदियां तीन खूबियां सन बस यही वाक्य बयान करके मैं जा चाहनी चुके असर दी नमाज नेड़े आ तीन पहली बात पूरे मदीने जो सब तो ज्यादा अमीर बंदा सी दूजी खूबी बे औलाद सी दे घर पुत्र थी बोलो नहीं सी तीसरी खूबी हरना दा शौकीन सी बाग विच इने हरन पाले सी मैं तीन गल्लां दसियां याद रह गईं पहली अमीर दूजी तीसरी ये अपने अरना दा मंदर देख वास्ते वो अपने बागी चो बाहर निकल के सड़क दे किनारे खड़ा उस सड़क दे जेड़ी सड़क है सड़क अली दा लाल सुभान अल्लाह कह बस दी नजर पई है मैं मौला हुसैन ते वेंदिया सार कहंदा वो कैसा समा हो सत्तर साल का मुंडा तू जवान इधरा जोर ला वो कैसी जब पहली नजर उनके चेहरे पे चाहे यहूदी दी नजर पई है मेरे वाला हुसैन ते अली दा लाला है करीब इन्हें दुआ बाजमा तो पकड़ के इवें चाहे चाह के सीने ना लाया ते हाँ ठर गए जिन्होंने हुसैन नाल प्यार है बोलो हाँ ठर गए एक बंदे नूर टुरिया जाते हैं टिकिया हो या हजार का नोट लब जाए ते मेरा ख्याल है समान ही होगा नजम शाही होगा कोई लबो जे जब आएगा फिर गिरदो नवाब देखेगा फिर ये फिर रार रार फिर मौके थे जिधर स्टेज ते बैठ के झूठ बोले वो देवर का लाल थी कोई नहीं मैं बस से जब बैठा हूँ कार ते और रखने 12-13 साल में दी तो मेरे नाले का रस्सा बह गए तिना ली सीट थी बड़ी सवारी त्रीजे नंबर थी ना किराया लगा दे तो नीले रंग के नोट होते सी 100 दी वो तो एक नोट डिग पिया थले रस्सा उत्ते पैर हूँ वो सवारी उतर गई अगले ट्रेन अड्डे से मैं मेहनता सी हूँ हजरत ने और नोट चुकना सी उन्होंने मेरा भी फिकर सी की कर अपना ईमान बोझ जपा के मैं प्यार करना चाहे ने अली दे लाल नु चाहे सीने ठंड पै गई हाँ ठर गया इवे चा के आया बाग जगे दी दाल खड़ी है वेख्या दी कित्थों लै चल दा टुकड़ा जे लुत्फ आउंदा ते पढ़ा नहीं ते चढ़ने कित्थों तोड़ के लै रोटी पानी पिला खिलाओ फिर अगले कमरे च सिमा के दरवाजे
अगर मालिक गरीब होए माड़े होए तो फिर पुत्र बना के रख लें की पता सी भी ये मालकां तो तगड़ा उन्हें क्या करे दे मालिक तगड़े होए मोड़ दिया कि अगर ये मालिक कमजोर होए पुत्र बनाओ के रख लांगे ये औरत लेगी अंदर गया दिए तारा तन युकबेलो बजाऊगा तारा तन युकबेलो शाफत है कदी हुसैन का चेहरा चुम दी कदी होंठ चुम दिए तो अजी चुप पे ये प्यार पी कर दिए इधरों कायनात दी मखदूमा दी रोटी पक गई डिठा दे हुसैन दी चार पाई खाली जिदा गुलाम हुसैन खड़ी च जाए ओ नहीं समझी ते जिदा हुसैन गुम हो जाए समझ आंदी भी है जिदा गुलाम हुसैन खड़ी च जाए ओ मसीतां च ऐलान करांदी है ते जिदा हुसैन गुम हो जाए कुर्बान बतूल तेरे पर्दे तो 70 वारी मखदूमा दरवाजे तक आई है लेकिन कदम बाद 70 वारी वापस मुड़ी है सदके तेरे पर्दे जदों 70 वारा पूरा हो गया ने कायनात दी मखदूमा आई है ओदे सराने जड़ा गिलानिया दा बाब है सुभान अल्लाह 5 साल दी उम्र है मेरे मौला हसन दी आके ना सराने कहंदी कुमकुम या बोनैया उठ मेरा नाल अजकल दा पुत्र हुंदा ते कहंदा मां समण दे जल्दी जल्दी छाल मार के धड़क मार के उठिया शहजादा कहंदा बिस्मिल्लाह मेरी जन्नत दी सरदार मां सुभान अल्लाह बोले नहीं जे मुंह बंद कीते जे जिन्हां दी पनाह लेनी है तुम आला हजरत को मानते हो आला हजरत की नहीं मानते सुन और दे नाल बीबी आई अपने लाल दे सराहने इमाम हसन अलैहि सलाम कुम कुम या बनैया उठ मेरा लाल शहजादा उठिया बिस्मिल्लाह जी करा जन्नती वारिस मेरी मखदूमा ने क्या तेरा वीर गुम हो गया लबदा नहीं हुण मैं जुमला लगा बोलन मैं पता नहीं तू बिल्कुल सुमन बुकन उमियन हो जाएगा या दाद देगा इवें वेख के कहिंदा अम्मा हुक्म दे हसन बन के गोला या बाबा अली बन के जा कोड़ा अपने बाबे अली दा लेके शहजादा निकलिया उस गली जिस गली च हुसैन गए ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਹਰਨ ਹਰਨ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਇਵੇਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਕਰਾ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਤਬਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਜ਼ਬੀਓ अज खर्च तो जाओ ना अद्धी रात हो उठ तेरी बीवी होवे सुती जिवे मैं की ना इवें करना बीवी होवे सुती तो उठ चल उठ जल्दी कर तेरे पिछलियां नु जान दी आ जिदे आखे जाल ना लगे वो तू है ते जेड़ा हरना नु दबके मारे ओनू हसन आ मेरे मौला ने पूछा या रबी हो हल रहे था कि हुसैन नो के पासे मेरा वीर हुसैन डिठे हरन ने पिछले पैर जमीन ते लेने अगले दे कि में हाथ बना के कहंदा नाम जबना रसूलुल्लाह ये रसूल दे पुत्र डिठे मेरे मौला मुस्कुरा
کے فرمانے نے کتھے ڈٹھائی ای آدھا اینا سالیم نے زمہ یہودی آخدا کی کوا خوفی بیتی اے جڑا میرا مالک سال لے آو اینے چاہتا ہے اگلی کوٹھڑی جو لکائی بیٹھے اور لوگ آنے نے نبی نو گیب نہیں میں پریشان ہو گیا اتھا مدینے دے ہر علی گیب جان دے چاہیا اگے حسن سی ہن علی بنے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیا شہزادہ دروازہ بند دے شہزادے نو اندر سمائی بیٹھے نے گل دی سمجھ دیے دوویں جی چہرے دی تلاوت کردے نے میں خانے میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت شہزادہ گئے دروازے تے مینوں ویکھے کیویں ٹھڈا ماریا ٹھڈا فکرا جی تو پی چلیا تے دکھ لے کے میں ٹر چلیا ٹھڈا تیری چپ تو صدقے میرا دل ڈوبدا ہے اڑدا ہے تے معلوم ہوندا ہے کہ وارث تیرا بابا فرمایا میرے بابے نے ایویں چا کیتا نا پیچھے فاتحہ پڑھنا دو منٹ اور آخرے رکھیل نہ کول والے چتی آئے کٹ نہیں تے اپنے نانے نو دسا سید دی تڑی وی کون تیرا نانا کی کرسی فرمایا اگر میرے نانے نے انگلی چا جائی نہ ٹر دی خدائی رک جائے گی سبحان اللہ کہیں دا کہ فلا مقام کا یا سیدی و مارائی رک سیدہ میں ہونے آیا اندر آ کے اپنی بیوی نو پوچھتا ہے کدی میرے اتنے کہے روب پایا واندی کوئی نہ آج تھک گیا کدی میرے کے اچھی بولیا واندی کہ کوئی نہ کدی کو میرے کے آکڑے مدینے دا بنو تیر تو ڈر دے لوگ جانے نہیں مدے کردہ نہ مانگے کوئی نہ انہیں کہ آٹھ سا پانچ سال دا ایک بچہ میں نو ڈڑ کے کی ملا ہے سبحان اللہ نظر پی سہرا کھڑے کر کے کیا سوال بولو بولو سخی قادر کلندر جگیر میں
दरवाजे ते आईए दीदीत पई है मौला हसन ते इवें बोल के कहंदी ओए कमली बला सारी उम्र कमला रहणी। चंद दे दो रूप होंदे ने टुकड़ा अंदर लुकाई वदियां भी आए तेरी मां कौन निवे जान दी कहंदी है नी फरमाई नमा युरी दुल्ला को ले जो जहेबान को मुरिज सालल बई दिवा यो ताखिरा को तदहीरा। वो पूछ दिए तेरा नाना कौन है फरमा देने मामा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन इमे बोल दे बस गल हो गई अपने शौहर नू कहिंदी अजे ही काफर है अजे ही काफर है। वो कहिंदा मैं ते उदों दा मन्नी बैठा जदों दा पहला चाया है। इशारा करके कहें शहजादे तेन अंदर ले जाइए बेदबीए इथा ठहर अस बाजू पंजाबी का बोल बकरा बोल गया बाजू वापस कर दे बाजू समझते हो बावा मोड़ दे। ए आए ने दोवें अंदर आके अपनी बीवी नू कहिंदा आखरी बोसा दे लै वाली ए करबला जिन पोत्र बना के छुपाई बैठी है सरदार ही। जदों इन्हें चुमिया है सामने दरवाजे ते सैयद खड़ा है दूसरे सैयद नू इस औरत ने चुका कहिंदा एक मिनट रोक इवें अंदर गया है एक थाल यकूत जमुरद जवाहर जबरजस्त भरिया है हीरियां दा ते चाहत है। वो बोल के आंदी है कमली बला ए की करना है उन्हें कहा जदों खोट नू टोरिए ना जदों दूल्हा टोरिए तो उहदे ते सौट। वो बोल के कहिंदी है बेगम लिया साडी औलाद कोई नहीं नौकरी घरां टुर गए चाहेगा कौन उन्हें क्या जांदड़ सुटी जावांगे आंदे होए नौकर बन के आ भी हुण ख्याल करी सौ ना जाए। औरत ने चाया लाल अली दा जाए ने पहला कदम चुकिया है साले ने मुठ भरी है या कूद दी इवें हवा च सुटी है मिल रही ओदी बीवी कहंदी क्या होई वो कहंदा ओ तां गए ने ऐसे बोलना चाहिए ये असमत अली दे बच्चे हैं उतां गए ने थले नहीं आए उन्हें क्या ठहर दूसरी मोट उन्हें दूजी मोट भरी एक में सुटी वो ही गया है जिन्होंने मेरे खाजा दे लड्डू सुने ने हाथ खड़े करो फिर गर्म नहीं सही था मैं इंडिया गया ना तो वो अंबेसी में ठहरिया सी अलहमदुल्ला दा करम है हाई कमीशन दा मैं मेहमान सा उन्ना मन के शाह जी इथे तकरीर ना करया जी ए सानू रिपोर्ट कीती बैठनी ए हुआ मौलवी जिने साडे भगवान नु खल्ले मारे ये साडे भगवान दी इने कीती है तौहीन ते इनु को खाजा दे लड्डू ना पड़े नहीं ते असाई दी 3 साल जमानत नहीं आण दे। सुनो और दे नाल वेदिया वेदिया थाल वेला हुन जुमले जड़ा जाने पूरी तकरीर जाए करीब जहरा दे लाल दी पई नजर फरमाया साले साले दी बीवी हैरान थी गए हो कि जवाहर के न गए अगर तुहानू आप ही पता लग जाए फिर अल्लाह असा पंजा नू क्यों बनांदा पता लग जाता फिर जिदा पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा
शर्मेल दे जो कहना सी कह गया अगर गोड दुनिया दा होवे ते कमी बशर कमी बन के मेल दे मेरा वीर जन्नत है गोट मेरा वीर जन्नत दा गोट ओ जन्नतियां पूरा दी सरदार लापा अपनी बरादरी नाल लेके हवाई च मेरे वीर दा सदका कट्ठा भी कर दी आखिरी दो फिक्रे इन्हें इवें चाया अगे अगे सैयद पीछे पीछे जाल चाहिए थी हुसैन बादशाह मगर मगर शेर नीवा करके साल चलदिया चलदिया आ गया दरवाजा है बतो इस बुए ते जो कोई सवाली बन के आउंदा सी ना तो पढ़दा सी इन्ना मा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अनकुम रिज्स आखिरी दो फिक्री दरवाजे ते मैनू ने हसन बादशाह ने कहा रुक काफला रुक गया देख फरमाया ओ तेरा बुआ है सहरा का आस्ताना है समझ के दादियां खड़े करके अंदरों नुकरानी निकली है जब टाइम होता मैं छप्पी आता इस नुकरानी दी शादियां पढ़ता शादी असर की नमाज जा रही है छप्पी फिजा निकली है बाहर बाहर दरवाजे दरवाजे में फड़ नहीं मारी मैंने पूरी छप्पी याद ने पूरे में आई है हूं जुमला सुनते अंज हाथ खड़े करके दादे ये बोल के कहता अम्मा जेडे नुकरानियां नु अम्मा कह अम्मा अंदर जा फिक्रा उन पचाई अंदर जा अंदर पहले मेरे वो मेरी मां के कदम चुन ते फिर कई पोतरा दे मुबारक हो भी फिराई ला पाया मुजरम ही खेना है अंदर जाके मेरी मां नु दस फिराई ला मुजरम ही खेना है साले ने जुमला सुने सुन के कहता है अपनी बीवी सुनिए ही सैयद ने की आखे सुन दी उन्हें कहो जब सरदार मुजरम कैम फिर बख्शिश कोई नहीं इस दर विचो हवा नहीं गुजरती मैं खलोना तो तू अंदर जा जाके कदम चुम के कहो जन्नत वारस असा भूल के चुके हैं पुत्र बना के रखे है खुआया है पिलाया है समाया है चुमे है पानी बंद नहीं किया कायनात दी मखदूमा सी फरमाया मैं माफ कर दिता एक माफी देवन आला सारा दिन अपने बाग दे बूहे च बैठे रहे जल्दी मुखा रहे मेरे मौला आली आए इवें माफी मंगी फरमाया मैं ही कर देना पर एक वारस मेरे नबी आए फरमाया असा दिना कर दिता पर एक होर इन्हां दे ना रखे आखिरी फिक्रा ते मैं गया नमाज़े असर करी में ए 40 दिन जंगलां च तके खांदा रहा साले 40 दिनों तो बाद सुल जलाल ने भई भेजी मेरे हबीब असी माफ कर दिता है मेरे अजीज दोस्त जिन्हें भुल के चाया है प्यार ना रखे चुम के समाया है जहरा दा दिल दुखाया है 40 दिन उन्हों अल्लाह माफ नहीं किया जिस बगैर चमन ही उजाड़ लेता है आज ले इनकी पनाह आज मदद मांग इनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया अल्लाह ताला मेरे मसल के उलमा दी जिंदगी करे और बिलखसूस तालब उस हसन अनशाह साहब कादरी सरवरी अल्लाह इन्हों उम्र खिजर अता फरमाए इन्हों ये रौनक ने इन्हों ये बहारा ने इन्हों ये सारे इतने जश्न ने अल्लाह ताला इस तरह इन्हों की हयाती रखे उलमा आके पढ़ते रहे तुम सुनते रहो असी तो बुढ़े बंदे हो हूँ ये उम्र उस्मानी साहब की नक्शबंदी साहब की ये मुर्शद का रफ्ज़ा जो है हजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला उत्थे जो हाजरी दी है तो उत्थे चार छवेरे दीवारा उत्ते लिखा या ला या मुहम्मद या बाकी काश वक्त हो गया मैं ते बहस करदा
या अल्लाह या मोहम्मद या बाकी, या अल्लाह या मोहम्मद या बाकी, या अल्लाह या मोहम्मद या बाकी। और चुखंडी ते लिखे ने पांच तन पाक दे पांच नाम, सुभान अल्लाह। जिहड़ा इन्हां दे नाम बूहे ते लिखे ओ फिर बाकी ही रहिंदा है, सुभान अल्लाह। असल नाम सरकार दा रज़ी उद दीन है, लेकिन ये बाकी बिल्ला आपका लकबे नक्शबंद सिलसिले का सुल्तान हिंद नक्शबंद सिलसिले का अल्लाह जल्ला मजदूल करीम तुम भी उन्होंने आसानिया से लै जाए उत्थे जाके हाजरी दो। खुदा की कसम आला हजरत के दरबार से गया तो वह मैं एक एक सिकिंड की गल एक सिकिंड की कि वह मैं ना नक्शबंदी साहब पूछा अच्छा बेट ओ मैं अपनी गड्डी रोकी ना ओ एक बंदा सी तो उन्हें मैं पूछा यार इमाम हिंदू सी तिलक लाया इमाम अहमद रजा का दरबार केड़ा वो कहना मालूम नहीं वो मैं नाल दे क्या यार कमाल हो गई असि उत्थे रौला पाने आला हजरत दा ते इह जानदे ही नहीं वो कहन गए ऐसे बोलो आला हजरत की दरगाह पे जाना है इधर है आला हजरत की दरगाह। मेरे दोस्तों ने टाइम नहीं देते दसा उतो की आदरी किमें और सुबानी मियां साहब उत्थे दे सजादा नशीन ने उन्होंने बड़ी पजीराई की अल्लाह जल्ला मजदूल करीम तुहानू भी उन्होंने आस्थानिया ले जाए नसीब करे वाखिर दावा ना अलहमदुल्ला।